भाई साहब, आपने हॉलीवुड में कभी रेड वन एंड रेड टू, देन उसके बाद जॉन विक, उसके ऑल पार्ट, ये सारी मूवी देखी होगी। खासकर ऑन्ग बैक जैसी मूवी देखी होगी जहां पर ब्लड शेड एंड रस्टी एक्शन, जो सिंगल हैंड कॉम्बैट एक्शन होता है, और जो कई थाई मूवी या फिर अपनी जैपनीज मूवी में वो सीन देखने को मिलता है, क्लोज कॉम्बैट एक्शन सीन। ऐसा एक्सपीरियंस आपने सिर्फ हॉलीवुड या फिर इंटरनेशनल मूवी में ही लिया होगा, लेकिन ऐसी चीज कभी हम अपने बॉलीवुड से एक्सपेक्ट करते नहीं है। लेकिन बाबा, बॉलीवुड ने भी शुरुआत कर दी है, और इसके लिए कोई बड़ा बजट नहीं चाहिए। जो मेकर्स, उन मेकर्स के लिए या फिर उन डायरेक्टर्स के लिए तमाचा है कि भाई आपको हर बार ऐसी धांसु एक्शन मूवी बनाने के लिए जो इंटरनेशनली उस लेवल को मैचअप कर पाए, उसके लिए कोई बड़ा बजट नहीं चाहिए। छोटा मोटा बजट हो, बस आपकी विलिंगनेस वैसी होनी चाहिए, बस आपका विजन वैसा होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई बहुत से ज़्यादा साईफाई दिखाने की कोशिश करो या ढेर सारे विजुअल्स एंड वीएफएक्स का इस्तेमाल करो। भाई सिंपल थिंग थी, एक वन नाइट स्टोरी है जहाँ पर सर्वाइवल थ्रिलिंग है। छोटा सा कहानी का अगर पार्ट बताएं तो कहानी कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तब किल मूवी जो अपने ट्रेलर से ही वो प्रॉमिस दे के आ रही थी कि भाई जब हम आएंगे तो ये सब चीजें आपको वहां देखने को मिलेंगी, भाई एक एक चीजें बहुत दमदार थी इस पे। खासकर उस सिंगल हैंड कॉम्बैट पे, वो जो क्लोज कॉम्बैट एक्शन सीन पे ज्यादा फोकस करा गया है ताकि रियलिज्म पर और भी ज्यादा तड़का लग सके, और वो फाइन देख के मिला है। भाई लॉजिकल एक एक चीजें सेट होते नजर आई हैं, लाइक कि भाई आप कोई भी हो, आप किसी भी ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो जहाँ पर आपके हाथ में कुछ भी ऐसी चीज आती है जिसे आप एज वेपन इस्तेमाल करते हैं, और वही सारी चीजें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसे एक्ट करना है, वो उन एनएसजी कमांडो को देखकर लगा है। भाई बहुत ऐसा कुछ हाईफाई नहीं डाला है इमोशनल कनेक्शन की भाई आप एनएसजी कमांडो हो, तो एक जो हमारा बॉलीवुड का जो जॉनरा है, जो हर बार फील कराने की कोशिश करते हैं, इमोशन डालने की कोशिश करते हैं, वैसा कुछ नहीं है। सिंपल एक डिल डॉल है, और ऐसा नहीं कि भाई उसकी एक अलग हाइप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बस उसी पे पूरा फोकस है। लाइक हम टाइगर श्रॉफ की मूवी में कई बार देखते हैं, अक्षय कुमार की मूवी में देखते हैं, वो क्लोज एक्शन सीन बस उन पे ही फोकस करा जाता है, उन्हें ऐसे भगवान टाइप में दिखाया जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। बट हाँ, ये कि भाई उसे जिस हिसाब की ट्रेनिंग मिली है और जैसे सिचुएशन पे उसे एक्ट करना है, वही चीज़ बहुत ही बारीकी से दिखाया गया। डायरेक्शन की बात करें तो ऑसम है। स्टोरी कोई इतनी हाईफाई नहीं है या कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगी, स्टोरी का फिलहाल कोई ऐसा बेस्ट पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ वही चीज़ है कि मूवी पेस के साथ चल रही है, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर कहानी एक ऐसे लवर्स की है, और वो इतना कोई हाईफाई मतलब इतना कोई हाईलाइटेड भी नहीं दिखाया है, बस छोटा सा 5-8% का वो पार्ट होगा मूवी का, स्क्रीन प्ले का, जहाँ पर वो लव एंगल हमें देखने को मिला है अपने मेन हीरो का, देन उसके बाद हीरोइन का। कहानी गड़बड़ तब होती है जब विलेन अपना राघव जुआल भाई अपने हीरो की, अपने कमांडो की गर्लफ्रेंड को किल कर देता है, देन उसके बाद जो एनएसजी कमांडो का दूसरा रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि उससे पहले वो डिफेंसिव मोड में लड़ता है कि यस जो भी हम इन नागरिकों से लड़ाई कर रहा हूँ या फिर जो भी मेरे सामने अटैक है थे, बस उन्हें एक सबक के तौर पर, उन्हें ऐसा कोई पर्सनली डैमेज नहीं करना है, लेकिन आफ्टर देन भाई फुल ब्लड सेड चले हैं, खून की धारें निकली हैं, और एक एक चीज पे इतना क्लोजली ध्यान दिया गया है, इतनी डिटेलिंग पर ध्यान दिया है कि यार लाइक जैसे गर्दन अगर कटेगी तो कितना खून वहाँ से निकलना चाहिए, देन उसके बाद छाती पे मार रहे हैं तो खून की नदियाँ कहाँ से कैसे बहनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि भाई साहब वो जो बंदा है अपना मेन हीरो है सिर्फ उसे एक भगवान की तरह दिखा दे, लाइक सलार में भाई वो 100-200 लोग काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। भाई लॉजिकली चारों तरफ से उस बंदे को घेर के रखा है, और ऐसा नहीं कि एक टाइम पर एक बंदा आ रहा है और बाकी के लोग रुके पड़े हैं कि यस तू पहले फाइट कर ले, देन उसके बाद हम आएंगे, देन हम उसके बाद इंगेज करेंगे। नहीं, चारों तरफ से उस पर टूट रहे हैं, हीरो को भी पड़ रही है, देन उसका अपना हीरो भी दबा के मार रहा है, क्योंकि एनएसजी कमांडो है और उससे एक्सपेक्ट करा ही गया था कि ये एक लेवल अप ही जाएगा। तो भाई दमदार है, एक ट्रेन की कहानी है, वन नाइट की कहानी है, सर्वाइवल थ्रिलिंग है, एंड नया चेहरा डेब्यू हुआ है लक्स का, जो भाई ब्राइट फ्यूचर है, बहुत आगे निकलेगा ये बंदा, क्योंकि देन अपना मेन विलन पर राघव जुआल को देखने को मिलेगा। भाई क्या निगेटिविटी, क्या एक्टिंग करी है इस बंदे ने, एज विलेन कैसा एक विलेन होना चाहिए जो साइकोटिक है, क्रेजी है, भाई सोच भी नहीं रहा है, कोई बच्चों को मार रहे हैं, बूढ़ों को मार रहे हैं, तो एक बार के लिए आपको जरूर नफरत हो जाएगी राघव जुआल से कि भाई तू इसको मार कैसे भी, आंखें निकाल, गर्दन काट, बुरी तरीके से मार, ये वाली फीलिंग जरूर आएगी आपके अंदर। बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई है, तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।